लोकसभा चुनाव के परिणाम कल सबके सामने होंगे, मगर उससे पहले सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों को ही बीजेपी ने असली मान लिया है और जश्न में डूब गई है। एग्जिट पोल ने भले ही बीजेपी की स्थिर सरकार का अनुमान जता दिया हो, मगर वाराणसी के ज्योतिषों की भविष्यवाणी ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ग्रहों की चाल से बिगड़ेगा बीजेपी का खेल। शनि, राहु और गुरु की तिगड़ी छीनेगी बीजेपी नेताओं की खुशी, ये भविष्यवाणी की है वाराणसी के ज्योतिषों ने, जिनके अनुसार तीन ग्रह एग्जिट पोल के आंकड़ों को बिगाड़ सकते हैं। वाराणसी के ज्योतिषों के अनुसार ग्रहों की ये स्थिति बीजेपी को लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो बना सकती है, लेकिन हो सकता है कि भाजपा बहुमत तक न पहुंच सके। पंडित ऋषि द्विवेदी के मुताबिक ग्रहों की स्थिति के कारण लोकतंत्र में अस्थिरता है और ये चुनाव के परिणामों में दिखेगा। ग्रहों की इस स्थिति के कारण कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। पंडित ऋषि द्विवेदी के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 220 से 240 सीटें मिल सकती हैं, वहीं भाजपा 140 से 160 सीटों तक रह सकती है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को 110 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पंडित दीपक मालवीय के अनुसार सरकार गठन में काफी परेशानी आ सकती है और नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत भविष्य भी संकेत देता है कि सरकार गठन के लिए उन्हें समझौते करने पड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मेघालय, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और केरल की पार्टियां सरकार गठन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। ज्योतिष गणेश प्रसाद मिश्र भी अन्य दोनों ज्योतिषों के अनुमान से सहमत हैं। उनका कहना है कि ग्रहों की स्थिति के कारण 16वीं लोकसभा के कई चेहरे 17वीं लोकसभा में नहीं दिखाई देंगे, तो अब एग्जिट पोल के उलट ज्योतिष तो कुछ और ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब ये कितनी सही साबित होती है, ये कल सबके सामने होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।